नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बालू खनन ही एक बड़ा मुद्दा रही है, क्योंकि बालू की किल्लत हो, बालू बिक्री पर रोक हो या बालू की कालाबाजारी हो, इन तमाम मुद्दों की चर्चा आमतौर पर होती ही रहती है। वहीं बिहार में आय का सबसे बड़ा जरिया बालू खनन उद्योग माना जाता है। लेकिन इन सबके बीच जो एक बड़ी समस्या हमेशा से बनी रही है, वो है बिहार में अवैध बालू के खनन की। इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, साथ ही नदियों पर भी इसका असर देखने को मिला है, जिसको लेकर एनजीटी ने भी कई बार नाराजगी जताई है। लेकिन अभी भी एक बड़े हिस्से में बालू की अवैध खुदाई होती ही है, जिसकी जानकारी समय समय पर आती भी रही है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि बिहार में अवैध बालू के खनन का काम नहीं होने वाला है। इसको लेकर सरकार जल्द ही बड़ी तैयारी करने जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में बालू खनन से अवैध शब्द को ही खत्म करने की दिशा में काम हो रहा है, जिसके तहत ही गंगा और सोन नदी में जहां जहां बालू का अवैध खनन हो रहा है, उसे जल्द ही चिन्हित कर वैध कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार को खनन मद से प्राप्त राजस्व का सर्वाधिक बालू से ही मिलता है। इसमें से भी सबसे बड़ा हिस्सा पटना, सारण और भोजपुर जिले का है। ऐसे में सरकार इन जिलों से मिलने वाले राजस्व को लेकर चिंतित है। उसका मानना है कि यहां से उसे और राजस्व मिल सकता है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक भी हुई थी। इस मुद्दे पर ही विस्तार से मंथन भी हुआ था, जिसके बाद ही बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमहारा भी मौजूद थी। इस बैठक में ये चर्चा हुई कि राज्य सरकार अवैध बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाने और इसे रोजगार से जोड़ने की कार्य योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। इसी के तहत गंगा और सोन नदी में अवैध खनन को लेकर विमर्श किया गया है। इसी बैठक में सरकार भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बिहार से अवैध बालू खनन को पूरी तरीके से खत्म करना आसान नहीं है। ऐसे में अब बीच का रास्ता निकालने की योजना बनाई गई है। जानकारों की माने तो सोन और गंगा नदी से नाव की मदद से बालू खनन को नियमित करने से हर साल सरकार के खजाने में कम से कम 400 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। इतना ही नहीं, लगभग 5000 से अधिक लोगों को रोजगार भी आसानी से मिलेगा। इससे यकीनन एक फायदा तो जरूर होगा कि राज्य सरकार के खजाने में हर साल न केवल 400 करोड़ रुपए आएंगे, बल्कि लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का काम भी होगा। पिछले दिनों ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। इस मुद्दे पर विस्तार से मंथन हुआ था। इसी बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमहारा भी मौजूद थी। राज्य सरकार अब अवैध बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाने और इसे रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना पर गंभीरता से काम कर रही है। इसी के तहत गंगा और सोन नदी में अवैध खनन को लेकर विमर्श किया गया है। सरकार गंगा और सोन नदी में अवैध खनन को लेकर बेहद चिंतित है। तमाम प्रयासों के बाद भी इस पर कारगर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की योजना बनाई गई है। माना जा रहा है कि सोन और गंगा नदी से नाव द्वारा बालू खनन को नियमित करने से हर साल सरकार के खजाने में कम से कम 400 करोड़ रुपए आएंगे ही। यही नहीं, हजारों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी संभावना है। इसके बाद अब इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर आने वाले समय में सरकार बालू खनन के सभी जगहों को वैध घोषित करती है, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन बालू माफियाओं पर तो पड़ेगा ही जो बालू के अवैध धंधे से जुड़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि बालू से भारी भरकम कमाई होती है, ऐसे में अवैध खनन में लगे माफियाओं की कमाई करोड़ों में है। इसमें ही कई स्तरों पर हिस्सेदारी भी होती है। इस कारोबार में ही बड़े और ताकतवर लोग शामिल है। सरकार अब इस पर प्रभावी अंकुश लगाएगी। इसके साथ ही उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने में सरकार सफल हो पाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।